रिलेटेड टू दैप्टर न्यूट्रिशन प्लांट्स पहला क्वेश्चन है कोई भी ऑर्गेज अपना फूड खुद से अगर प्रिपेयर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑडोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रीशन इन विच एंड ऑर्गेजर ओन फूड इन ओन एज ऑडोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सेकेंड है, है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अगर डिफाइन करना है तो बोल सकते हैं द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बीच एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड इन नोन है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फिर उसके बाद है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा जाए तो इसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं दि म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इनोन है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को या इसी को सिम्बायोटिक एसोसिएसन या सिम्बायोसिस बोल सकते हैं फिर से है हमारा डिफ्रेंसीट करना है ऑटोट्रॉप और हेटोट्रॉप में ऑटोट्रॉप्स की अगर बात करते हैं तो अगर दोनों में अगर डिफ्रेंसीट की बात करते हैं तो ऑटोट्रॉप जो होगा वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेगा जबकि हेटोट्रॉप जो होगा अपना खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है फिर ऑटोट्रॉप की बात करते हैं तो ये दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा हेटोट्रॉप जो होगा वो दूसरे पर डिपेंडेंट होगा ऑटोट्रॉप्स के लिए देखा है तो क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए हेटोट्राप्स के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑटोड्रॉप्स को हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं प्रोड्यूसर इन द सेंस ये जो होता है ख़ुद से फूड को प्रोड्यूस करता है और हेट्रोड्रॉप को हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं यानी जो ऑटोट्रॉप ने प्रिपेयर किया उसी को ये कंज्यूम करता है इसलिए इसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं फिर नेक्स्ट है तो हमारा पार्सियल और टोटल पारासाइट्स में डिफरेंस पार्सियल पैासाइड्स की बात करते हैं तो ये फूड अपना खुद से प्रिपेयर करता है टोटल पारासाइट की बात करते हैं तो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करता है पार्सल पैरासाइट जो होता है वो बस वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करता है दूसरे प्लांट से या हॉस्ट प्लांट से जबकि टोटल पैरासाइट की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट फूड एब्जॉर्ब करता है दूसरे पार्सल दूसरे हॉस्ट प्लांट से तो ये डिफ्रेंसेस हो गया तो अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट है आंसर दिच क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है भाई न्यूट्रिशन इसेंशियल अगर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है इसेंशियल कहने का मतलब किसी भी इंडिविजुअल को सर्वाइव करने के लिए ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्यों जरूरी है तो देखा जाए तो कोई भी जो ऑर्ग्न होता है वो डिफरेंट टाइप्स के वर्ग्स या एक्टिविटीज़ करता है और उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें फूड से मिलता है यानी फूड जो मिलता है हम लोग को न्यूट्रिशन से मिलता है तो इस तरह से देखा जाए तो न्यूट्रिशन जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल के लिए इसेंशियल होता है फिर अगर देखा जाए सेकेंड क्वेश्चन हमारा बात करते हैं तो वो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथेसिस फ़ोटोसेंथेसिस को डिस्क्राइब करना है सिम्पली अगर देखा जाए फोटोसेंथिस सबसे पहले डिफाइन करेंगे द द मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रीशन प्लांट्स इन विच द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट दोलर एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी इन ऑन एच फोटोसिथेसिस या इसको सिंपली ये भी डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सोलर इनर्जी इन टू केमिकल इनर्जी बाय द ग्रीन प्लान्स इनओन एच फोटोसिन्थेसिस ठीक है फोटोसेंथेसिस का डिफिनशन फिर अगर देखा जाए रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करते हैं तो उसका रिक्वायरमेंट्स है कार्बन डाईऑक्साइड वाटर सनलाइट क्लोरोफिल तो ये सब इसका रिक्वायरमेंट हो गया फिर अगर देखा है तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे सी ओ टू प्लस वाटर एरो ऊपर सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल फिर एरो के बाद देखेंगे तो ग्लूकोज होगा ग्लूकोज के साथ हमारा बनेगा ऑक्सीजन तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन फोटोसिंथेसिस का फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का तो वो है नेम द वेरियस कंडीशन डेट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस देखा है कौन कौन सा कंडीशन जो है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है तो बेसिकली जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक तो अफेक्ट करता है साथ साथ कुछ टेम्परेचर वगैरह भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि अगर देखा है तो क्या क्या हो सकता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल इन सब के अमाउंट पे जो रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस होता है वो डिपेंड करता है साथ साथ वहाँ पे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर देखा है जो भी कोई भी प्रोसेस जो होता है इंजायमेटिक प्रोसेस कोई भी जो इंजाम से रिलेटेड है तो आप एक प्रॉपर टेम्परेचर को मेनटेन करना जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए अगर देखा जाए तो एक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हम लोग लेते हैं बो लेते हैं बीस से तीस डिग्री से फिर है द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है उसका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिड्यूस होकर के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और अगर वाटर की बात करते हैं तो ये वाटर जो होता, ये होता है ये स्प्लिट होता है ये टूटता है और टूट करके ये हाइड्रोजन रिलीज करता, करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है तो ऑक्सीजन तो एयर में चला गया हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाता है और उसी से केमिकल के एनर्जी का फॉर्मेशन होता है फिर अगर देखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ अलगा एंड फंगस इन लाइकेन लाइकेन में देखा है तो अलगी का काम होता है फोटोसिंथेसिस और फंगी का काम होता है उसको वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके अलगी को प्रोवाइड करना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ में गिव इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च अगर स्टार्च के फॉर्मेशन की बात करते हैं यानी यहाँ पर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एरो एरो को ऊपर सनलाइट क्लोरोफिल फिर एरो के बाद अगर देखा जाए तो वहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन लिखेंगे फिर अब हाइडा जैन इंसेक्टिबोरस प्लांट कैच और ट्रैप एन इंसेक्ट जो इंसेक्टिबोरस प्लांट होता है वो एक इंसेट को क्यों कैच करता है या ट्रैप करता है तो देखा जाए इंसेक्टिबोरस प्लांट जिन वैसे जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर कि नाइट्रोजन का डिफिशेंसी है सोयल में नाइट्रोजन का कमी है तो उस कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं फिर है ड्रा एबल ड्रा एंड लेबल द डायग्राम लिफ्ट मॉडिफाइड इन टू पिक्चर जो कि बना हुआ था फिर ब्रेड मॉडल इन पार्ट्स ये भी बना हुआ है ए लाइक एंड पार्ट्स ये भी बुक में दिया हुआ था फिर गिव हैिव दिक्चर गिव इन द पिक्चर ऑफ ए लिफ लेबल पार्ट वन टू फोर हाउ डज ए लिफ गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर अगर पहले फिगर की बात करते हैं तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है मार्जिन सेकेंड पार्ट जो है वो वेंस थर्ड है लेमिना एंड फोर है पेटियोल फिर अगर देखा है नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन है इसमें हाउ डज यू लिफ्ट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमाटा थ्रू द स्टोमाटा फिर है बीच पार्ट ऑफ द कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस तो लिफ्ट का कौन सा पार्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस करता तो है तो अगर देखा है तो लिफ्ट का बोल सकते हैं कि जो ग्रीन पार्ट है या जो अपर सरफेस है वहाँ पर जो लिफ्ट फोटो होता है फिर देखा है यानी कि यहाँ पर अगर इसमें अगर फिगर में बात करते हैं तो थर्ड हो जाएगा हमारा Lamina. फिर है हॉट क्वेश्चन बायो इनसेक्टिबोस प्लांट कॉल्ड पार्सली हेट्रोट्रॉप जो इन्सेक्टिबोस प्लांट होता है उसको पार्सली हेट्रोट्रॉप बोलते हैं क्यों क्योंकि देखा है तो एक कुछ जो बोल सकते हैं कुछ जो प्ला फूड को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो दूसरे से एब्जॉर्व करता है या दूसरे से लेता है इसलिए इसको हम लोग पार्सल हेट्रोट्रॉप बोलते हैं अगर पूरी तरह से खुद से अपना डिपेंडेंट होता तो इसको हम लोग ऑटोट्रॉप बोल सकते थे फिर हाउ डज कैस्कूटा ड्राइव नरिशमेंट कैस्कूटा जो होता है अपना नरिशमेंट कैसे लेता है तो कैस्कूटा की बात करते तो ये एक बहुत सकते हैं एक लीफलेस प्लांट है इसमें किसी तरह का कोई लीफ नहीं होता है तो ये हॉस्टा के हेल्प से जो हॉश प्लांट है उससे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई डू द लीव्स ऑफ ए प्लांट केप्ट इन डार्क बिकम यल्लो किसी प्लांट को अगर हम क्या करते हैं या लीफ को अगर हम डार्क प्लेस पर रख देते हैं तो वो धीरे धीरे यल्लो हो जाता है क्योंकि वहाँ पे देखा जाए जब वहाँ पे सनलाइट नहीं आएगा तो वहाँ पे क्लोरोफिल का सिंथेसिस या फूड का सिंथेसिस नहीं होगा डेट्स बाई वहाँ पे देखा जाए तो ये जो लीफ होगा वो येल्लो होने लगेगा जल्दी क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए भी सनलाइट का होना जरूरी है और यही उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है अगर उसको डार्क में छोड़ देंगे तो वहाँ पर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल नहीं होगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एम सी क्यू इज ए पार्स ए पार्सल पारासाइड पार्सल पारासाइट की बात करते तो वह हमारा मिशल टोई फिर नेक्स्ट है ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर जितना भी ग्रीन प्लांट्स होता है सब क्या होता है ऑटोट्रॉप्स फिर है और डेट लिव ऑन अदर जो दूसरे पर रहता है तो उसको बोलेंगे हम पारा फोटोसिंथेसिस में जो स्टार्च होता है वो टर्न हो जाता है ग्रीन में और यही कारण है कि देखा जाए तो जो प्लांट्स को अगर हम सनलाइट में रखेंगे तो वो ग्रीन रहेगा अदरवाइज वो येल्लो हो जाएगा